हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू फायरबोल्ट की ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट सेल्सियस, जो कि बजट कैटेगरी में वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्प्ले दे रही है, जो कि बहुत ही ऑसम बात है। 1.91 इंचेस का डिस्प्ले 1799 रुपीज के प्राइस पे बहुत ही मुश्किल था मिलना कुछ टाइम पहले तक, लेकिन फायरबोल्ट जैसे ब्रांड्स ऐसी कई अमेजिंग चीजें करके दिखा देते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस स्मार्ट वॉच को 1799 रुपीज पे खरीद सकते हैं। जी हां दोस्तों, ज्यादातर लोग यूट्यूब पे आपको बता रहे होंगे कि इसका प्राइस 1999 रुपीज है, लेकिन मैंने इसको के 1799 रुपीस पे, और एंड में आपको पता चला है कि कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं उस अमेजिंग प्राइस ऑफर पे। और दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको टेम्परेचर मॉनिटरिंग और ऐसे सारे वो बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक स्मार्ट वॉच में रिक्वायर्ड होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहां पे एक फीचर पैक स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको 123 स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है और ऐसे कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की वीडियो सबसे पहले YouTube पे लाते रहते हैं। और इस वीडियो के बाद भी 4 से 5 नई स्मार्ट वॉचेस की वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। और रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे टॉप 5 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर 1500 अंडर 2000 की वीडियो डाली, जो कि आप काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। और इस वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अनबॉक्सिंग करें तो यहां पे आ जाती है हमारी मेन स्मार्ट वॉच, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बॉक्स के अंदर मिल जाता है आपको वही टिपिकल मेन्यू और पेपर वर्क, जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। और एंड में आपको मिल जाती है इसकी एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट है और काफी थिक केबल है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चार्जिंग वगैरह करते हुए। तो इस वीडियो में दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दिखाने वाला हूं, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन हो, वॉच यूआई हो, ऐप इंटरफेस हो, या फिर हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी हो। तो इस बात पे जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब जल्दी से देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन, तो वो काफी ज्यादा ऑसम है। बहुत ही ज्यादा स्लिम स्मार्ट वॉच है, इतने एक अमेजिंग प्राइस पॉइंट पे इतनी अमेजिंग स्मार्ट वॉच मैंने शायद ही देखी होगी आज के टाइम पे। 1.91 इंचेस का कर्व डिस्प्ले यहां पे दिख जाता है, जो कि बिल्कुल बेजललेस लग रहा है, और एच टू एच डिस्प्ले यहां पे दिख जाता है। और अगर बात करें स्ट्रैप्स की क्वालिटी की, तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पीछे बात करें तो यहां पे आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग, सेंसर्स और साथ ही साथ मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट दिख जाता है। अलॉन्ग विद दैट आप स्ट्रैप्स को रिप्लेस कर सकते हैं काफी इजीली। और मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद आ रही है इसकी स्लिम लुक, जो कि काफी एलिगेंट लुक प्रोवाइड कर रही है स्मार्ट वॉच को। तो अब जल्दी से इसको बूट कर लेते हैं और देखते हैं कैसी है इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी, और उससे पहले मैं आपको डिटेल में सेटअप करके भी दिखा दूंगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे इसका अमेजिंग डिस्प्ले, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसकी ऐप के साथ कनेक्ट करना है, जो कि है दाफिट ऐप। तो जैसा आप देख सकते हैं, सेटअप का प्रोसेस काफी इजी है। आपको अपने फोन में दाफिट ऐप को डाउनलोड करना है और ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करके आपको अपने फोन में ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। तो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच हो जाएगी, जो कि है फायरबोल्ट BSW 059। तो आप सिंपली इससे क्लिक करते कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इजिली इसको यूज कर पाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे हमारी मेन स्मार्ट वॉच, जिसके डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले के साइज की, तो 1.91 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि बिल्कुल बेजललेस लग रहा है। और यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करके इसमें इजीली वॉच फेसेस को चेंज भी कर सकते हैं, जो कि काफी डिफरेंट इस बार फायरबोल्ट ने प्रोवाइड किए हैं। अगर बात करें ब्राइटनेस की भी, तो मैंने अभी इसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा कम रखी हुई है, और आप इसको बिल्कुल मिनिमम भी ले जाएंगे तो भी आपको इंडोर्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आउटडोर्स में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो कहीं से भी दोस्तों अंडर 2000 रुपीज वाले फीचर्स ये नहीं लग रहे, बहुत ही ज्यादा ऑसम फीचर्स है जिनसे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। अगर बात करें वॉच यूआई की, तो जैसे हम इस पे लॉन्ग प्रेस करते हैं, यहां पे आपको वॉच फेसेस चेंज करने की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि काफी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, और कस्टम वॉच फेसेस भी आप इजीली लगा पाएंगे। जैसे आप नीचे स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको और बेसिक शॉर्टकट्स दिख जाएंगे अलॉन्ग विद डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स। उसके बाद ऊपर स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको मैसेजेस और नोटिफिकेशन दिख जाएगा। राइट स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको रीसेंट मेन्यू ऐप दिख जाएगी। और लेफ्ट स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको ऐड कंपोनेंट्स की ऑप्शन मिल जाएगी, जिसको आप अपने हिसाब से इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर बात करें मेन्यू की, तो जैसे आप राइट स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको इसका मेन मेन्यू दिख जाएगा, जो कि बिल्कुल हनीकॉम स्टाइल में यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अभी मैं सेटिंग्स में जाके इसका मेन्यू स्टाइल चेंज कर देता हूं, यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके, और मेन्यू व्यू में आपको डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स दिख जाएंगे। और मैं अभी इसको लिस्ट मेन्यू में चेंज कर देता हूं। लिस्ट मेन्यू में सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्टिविटी ट्रैकर दिख जाता है, उसके बाद हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर और एक्सरसाइज मोड दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था, 123 एक्सरसाइज मोड मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट रहते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स दिख जाएगा, वेदर, मैसेजेस, शटर और ऐसे कई सारे बेसिक फीचर्स दिख जाएंगे अलॉन्ग विद रिलैक्स एंड स्टॉपवॉच। और उसके बाद दोस्तों फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको गेम्स भी मिल जाती है टाइम पास के लिए, जिनको आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। और काफी इजी हो रहा है दोस्तों यहाँ पे बड़े डिस्प्ले में खेलने के लिए, तो दोस्तों आप आराम से इतने बड़े डिस्प्ले में इसको एंजॉय कर पाएंगे। अब अगर बात करें मेन्यू के एंड में आपको क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। उसके बाद एंड में आपको मिल जाती है सेटिंग्स, जहां पे आप डिस्प्ले, वाइब्रेशन, डीएनडी मोड और ऐसे कई सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और सिस्टम सेटिंग्स पे जाके आप इसको रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस वॉच का यूआई काफी ज्यादा अच्छा है। ये बड़ा डिस्प्ले इस वॉच यूआई पे 4 चांद लगा रहा है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अब देख लेते हैं कैसी स्मार्ट वॉच के हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी एक प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर करके। सबसे पहले अगर बात करें हार्ट रेट मॉनिटर की, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस 1 और 2 का डिफरेंस आपको दिखेगा, जो कि काफी एक्यूरेसी दिखाता है स्मार्ट वॉच की। और अब अगर
बात करें SPO2 मॉनिटर की, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस 2 का डिफरेंस दिख जाएगा, जो कि मैं वैसे भी कहता हूँ आपको SPO2 जैसी चीजें मॉनिटर करने के लिए एक प्रोफेशनल ग्रेड डिवाइस का यूज करना चाहिए। फाइनली अब अगर बात करें स्टेप्स कैलकुलेटर की, जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैंने इसको पहन के 100 स्टेप्स चले थे और इसने कैलकुलेट किए 102 स्टेप्स, और यहाँ पे आपको कैलोरीज बर्न वगैरह भी दिख जाएगा। दोस्तों अगर बात करूं बैटरी बैकअप की, तो उसने मुझे स्मार्ट वॉच में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। ये स्मार्ट वॉच आराम से चल जाती है 6 से 7 दिन, जो कि बहुत ही अमेजिंग बैटरी बैकअप है। 1.91 इंच का डिस्प्ले होने के बावजूद भी काफी ज्यादा अच्छे से बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है, और इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं मिलती, तो इस बात की वजह से भी काफी ज्यादा एफिशिएंट बैटरी बैकअप इसमें मिल जाता है। अब अगर बात करें कंक्लूजन की, कैसी लगी मुझे फायरबोल्ट सेल्सियस, तो मेरे हिसाब से दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच है अंडर 2000 रुपीज के प्राइस पे। और जैसा मैंने बताया कि इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं 1799 रुपीज के प्राइस पे रिलायंस डिजिटल से, जो कि अवेलेबल है, और साथ ही साथ ये क्रोमा, फ्लिपकार्ट, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, जहां पे आपको ये इजीली अंडर 2000 रुपीज के प्राइस पे मिल जाएगी। इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से अंडर 2000 रुपीज में अगर आप एक स्लिम लुक वाली स्मार्ट वॉच देख रहे थे, जिसमें आपको एमोलेड लाइट डिस्प्ले मिल जाए, साथ ही साथ डिसेंट एक्यूरेसी और सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाए, तो आप इजीली फायरबोल्ट सेल्सियस के लिए जा सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट सेक्शन बताएगा कि कौन सा पार्ट फेवरेट था इस वीडियो का। इस वीडियो के बाद बहुत जल्द मेगा गिव अवे की वीडियो आने वाली है, तो उस बात के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी वो वीडियो मिस ना हो।